हर नई सुबह का नया नजारा, ठंडी हवा लेकर आया पैगाम हमारा। आइए एक बार फिर से मगध प्रीमियर लीग के आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबले में आपका स्वागत करता हूं। मैं पीएन शेखर, अपने सहयोगी इंग्लिश के कमेंटेटर आफ्ताब के साथ। तो टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता शेरघाट टीम के कप्तान अबूजर पठान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बीसीए पैनल के अंपायर सुनील कुमार सिंह ग्रेड वन के और कुदूस आलम दोनों का स्वागत अशद शाहीन और गया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पुलस्कर सिंह के साथ साथ सभी आला अधिकारियों को। पहला ओवर विपुल कृष्णा, कंधे का इस्तेमाल, गेंद ने उछाल भरी, सीने की ऊंचाई तक गेंद उछली थी, अपने हल्के हाथों से दबाया, गेंद आई थी गली की दिशा में। तो शुरुआत आज के संघर्ष की हो चुकी है। शेरघाटी बनाम बाल मुकुंद, स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के करीब। ये घेरे के अंदर, और अगर बाहर की बातें करें तो एक वाइडिश थर्डमैन की दिशा में शतरक्षक तैनात। हवा में गेंद, शतरक्षक दो मौजूद वहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम का खाता खोला। संतोष और शशि आए हैं बतौर उद्घाटक बल्लेबाज, और पहले ओवर की चौथी गेंद डॉट कराई विपुल कृष्णा ने। अब तक मात्र एक रन खर्च किए हैं, चार गेंदें डाली हैं विपुल कृष्णा ने। शशि स्ट्राइकिंग एंड पर, संतोष नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। क्रॉस द लाइन आए थे, डीप मिड विकेट की दिशा में उछालना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद में रफ्तार थी, तेजी थी, शफल करने में थोड़ा सा विलंब अगर आप करेंगे तो गेंद आपके बल्ले पर आएगी नहीं और आप मनचाहे स्ट्रोक नहीं मार सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर शॉट दिखलाई पड़ा है, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, यानी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए ओवर संपन्न होता हुआ, दो रन लिए ओवर संपन्न होता हुआ, कुल तीन रन एक ओवर की समाप्ति के पश्चात शेरघाटी का योग। गेंद को नचा रहे हैं, स्पिन आक्रमण, स्लिप को पीछे भेजा गया है। एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ और एक शॉर्ट फाइन लेग की व्यू रचना है। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद को मोड़ते हुए एक रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, आपस में सिरे बदले और रनों का कुल योग चला गया चार। शेरघाटी के कप्तान अबूजर पठान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। छह खिलाड़ी ऑफसाइड, तीन खिलाड़ी ऑनसाइड की व्यू रचना लगा रखी है गेंदबाज ने। तारिक गेंद पर उंगलियां फिराते हुए उन्होंने डिलीवरी फेंकी, और जब तक लॉन्ग ऑन की दिशा से गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और लिए, रनों का कुल योग चला गया पांच बिना किसी नुकसान के। सधी हुई शुरुआत शेरघाटी की, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नजाकत के साथ गेंद को टर्न किया, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, एक और रन मिलता हुआ शेरघाटी के बल्लेबाजों को। कुल रनों का योग चला गया है छह, दोनों ही बल्लेबाज तीन तीन के निजी योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तारिक की गेंद बैकफुट पर आए थे, थोड़ा विलंब किया खेलने में, दो तीन आवाजें आई बल्ले से टकराने के बाद, कभी कभी गेंद रगड़ खाती हुई निकल जाती है। फ्लाइट डाली थी गेंद पर, ललचाया था, रन आउट होने का खतरा, और इसी के साथ दौड़ते रह जाएंगे बल्लेबाज।
रन आउट के रूप में झटका लगता हुआ पहला शेर घाटी को कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसे खतरनाक रन लेने की, और लेट दौड़े भी थी कॉलिंग, उन्होंने ध्यान नहीं दिया स्ट्राइकिंग एंड पर जिन्होंने शॉट खेले, और थोड़ा लेट दौड़ने का नतीजा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बहुत अच्छी फील्डिंग हुई, हल्के हाथों से गेंद को कवर्स एरिया में खेलकर एक रन लेना चाहते थे, और इसी के साथ एक सफलतम ओवर संपन्न हुआ तारिक का। बेशक उनके खाते में ये विकेट नहीं गया, लेकिन टीम को एक सफलता दिलाई अपने गेंदबाजी ओवर के दौरान। शेरघाटी के पारी के दरमियान ये दूसरा ओवर संपन्न हुआ है, 6 रन ही बने हैं अब तक, 1 विकेट का नुकसान हुआ है और थोड़े दबाव महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज विपुल कृष्ण। चर्च एंड की तरफ से विकेट कीपर ने अपनी दाहिनी तरफ एक स्लिप लगा रखी है, एक वाइड गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक शॉर्ट लेग। कंधे का इस्तेमाल विपुल कृष्णा कल से ही कर रहे हैं, और मैंने मगध प्रीमियर लीग में देखा है आफ्ताब बेहद तेज गेंदबाज यह दिखलाई पड़ रहे हैं। कल रश्मिकांत ने मुझे खासा प्रभावित किया था, और अब विपुल कृष्णा, आपके क्षेत्र के गौरव शर्मा भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, गेंद में गति है, रफ्तार है, कंधे का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं से BCA तक एक मैसेज जा रहा है मगध प्रीमियर लीग के जरिए कि बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गैदरिंग, अशफाक के उछाल भरते हुए उन्होंने गेंद को गैदर किया। कल अशफाक जल भी नहीं दिखला पाए, मायूस होकर वापस पेवेलियन लौटे थे। रजनीश भी कुछ विशेष नहीं कर पाए। ये सारे प्लेयर विजय हजारे रणजी ट्रॉफी के बाल मुकुंद में आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। हवा में शॉट और एक आसान सा कैच पकड़ा है, दूसरे विकेट का पतन हुआ। मैं पहले ही बता रहा था कि जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कुछ गेंदें डेड करें, हवाई शॉट नहीं खेलें। सबका बेहद धन्यवाद, और लीजिए यहां पर आए और अब गए भी, अच्छा कैच लपका, हालांकि वक्त ज्यादा था अशफाक के पास, लेकिन फिर भी ऐसे कैचों को पकड़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। 6 रन पर 3 विकेट गवा चुके हैं शेरघाटी की टीम। के सामने सुभाष ची उछाल थी गेंद में, सामने आए, नजरों को नीचे किया, बल्ला आगे किया, बल्ले पर गेंद लगी, गई स्क्वायर लेग की दिशा में, मिला मौका दोनों बल्लेबाजों को और हैट्रिक चांस को खत्म किया। विपुल कृष्णा ऑन द हैट्रिक थे। एक और ओवर संपन्न होता हुआ, 2 विकेट इस ओवर में विपुल कृष्णा ने प्राप्त किए हैं, तो अब तक जो 3 विकेट गिरे हैं उन तीनों विकेटों में एक रन आउट के रूप में पहला विकेट गिरा था और 2 विकेट झटके विपुल कृष्णा ने, तो कुल ओवर नंबर की समाप्ति हुई है 3 और रन बने हैं 7 और विकेट भी 3 गिर गए। कंचन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाज को मजबूर किया कि वो आगे बढ़े, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अरुण कुमार सिंह का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का योग कुल 8, 3 विकेट के नुकसान पर सुभाष के लिए कंचन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, हल्के हाथों से गेंद को डिलीवर कर रहे हैं, सिर्फ छोड़ रहे हैं, हवाएं थोड़ी मीठी मीठी हवा चल रही है, और ऐसे में जो स्विंग कराने के शौकीन गेंदबाज होते हैं वो गेंदों को सिर्फ डिलीवर करने के शौकीन होते हैं, कोई अतिरिक्त पेस करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से कंचन सुभाष के लिए।
और इस बार थोड़ी सी गति परिवर्तन, थोड़ा सा लाइन लेंथ परिवर्तन, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल भी किया था कंचन ने। बल्लेबाज ने बिल्कुल बल्ला तो चलाया लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। स्कोर 7 पर अटका हुआ, 3 विकेट के नुकसान पर शेर घाटी का। काफी ज्यादा बाहर गेंद, किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं हुई सुनील कुमार सिंह को वाइट करार करने में। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया 9, 3 विकेट के पतन के पश्चात 9 रन। नीची रह गई थी गेंद, कारपेट के सहारे फिसलती हुई चली गई, उछाल कम, और ऐसे में बल्लेबाज अगर सुरक्षित रह जाए तो ये अच्छी बात बल्लेबाज के मानिंद। काफी ज्यादा बाहर गेंद, बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं, ललचा रहे हैं कि आप बल्ले अड़ाएं, लेकिन सामने से एक जो अनुभवी बल्लेबाज हैं उन्होंने समझाया सुभाष को कि आप धैर्य से बल्लेबाजी करें, छेड़खानी करने की कोशिश मत कीजिएगा। फुल लेंथ गेंद, पैड और बैट एक साथ रखा, सर नीचे झुका हुआ, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में अपने सामने पुश किया गेंद को, गेंद गई कवर से एरिया में। रजनीश मौजूद, गेंद को फील्ड किया रजनीश ने और वापस किया कंचन के पास। फिर से अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल मौके की नजाकत के हिसाब से बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर की समाप्ति हुई है 4, 3 विकेट के नुकसान पर कुल 9 रन शेर घाटी का योग। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है, रजनीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन गेंदबाजी करते हैं तो दाएं हाथ की गेंदबाजी होती है, जैसा सौरभ गांगुली थे बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे, दाएं हाथ की गेंदबाज थे। तो कटारे चले थे। शॉट घुमाया है और हाथों से लगती हुई छिटकती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में लगाया हुआ एक शानदार छक्का, और इस छक्के ने निश्चित तौर पर शेर घाटी के बल्लेबाजों के मनोबल को बढ़ाया होगा। गलत खेल, पिछली गेंद पर आपने छक्का प्राप्त किया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगली गेंद पर भी आप छक्के लगा देंगे, क्योंकि एक अनुभवी गेंदबाज आपके सामने है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर अगर कोई है तो उन्होंने ये जो सफर तय किया है इसके लिए काफी मेहनत की होगी, आप भी उस मेहनत को करें और सफलता प्राप्त करें। 5वां ओवर फेंका जा रहा है और 5वें ओवर के दरमियान ही 4 विकेट गंवा दिए हैं शेरघाटी की टीम ने, मात्र 16 रन बने। 4 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। रजनीश ने अपने लिए पहली सफलता प्राप्त की, टीम को चौथी सफलता दिलाई। आखिरी वक्त में गेंद को स्टीयर किया और जब तक गेंद वाइडिश मिड ऑफ के क्षेत्र से, आवाज कम हो, मिड ऑन के क्षेत्र से गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 17 रन बनाने में 4 विकेट गंवा दिए हैं शेरघाटी की टीम ने। हल्की गेंद को लूप कराया था। हेलो, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे इंग्लिश के कमेंटेटर आफताब।
अंडर फाइव ओवर फ्लिक दिस बॉल टू शॉर्ट टू स्कोर बट फील्डर वॉज क्विक देयर एंड ऑल्दो दे हैव लॉस्ट देयर विकेट क्विकली दे नीड टू बिल्ड अप अदरवाइज दे विल बी फेसिंग अ बिग इश्यू एंड बिग क्राइसिस इज नॉकिंग Lovely down the ground, should be boundary. This time ball gone into the boundary for six. Again in the air, India should be taken. Let's see what is this exactly. But this time again the ball gone into the boundary over the fence on one bound. Defended this ball, Shivam Deep. Defended back, last delivery of this over. Oh, this time again he goes towards the deep mid wicket and this will be boundary. The ball gone into the boundary, rolling. Lovely, he flicked this ball towards this. Need to keep going. I defended this ball back to my ball. Again, the ball. This time he goes to point, but it may be chance of run, not. But till that dog batsman complete. Presenting this, there his exhibition. Again the ball get in swing. Oh, it may be chance of run, not sorry catch. But this time, this catch has the lucky break this time. Again, this is aggressive shot towards the corner. Fielder is active there. But till that ball. Oh, this time ball hit it, the pad of the batsman. Oh, he flicked. Hello, kya ho raha hai? Came down the track, he wanted to get a long boundary, but lovely, but he directed this ball towards the third man direction and fielder was quick there and completed the single. Oh, got flash, got Rajnish. Oh, this is what kind of stock he wanted to pour a scoop shot, I think. Lovely, this time he goes through me. Oh, he wanted to. Again, he direct. Again, this is. Got flash, race taller. Oh, got flash. We should pitch. Oh, got flash. Oh, they should be wide. Yeah, exactly. This is the same thing. 1,000. Oh, this time he directed this ball through the cover and got a lovely boundary. They have got this boundary after a long. Oh, again. Effort for boundary. This was aggressive shot to cover, but I have not completed their 50. Oh, in the how long this will be? Will it cross the boundary? Yes, the ball gone into the boundary on one bounce over the fence. Oh, defended this ball. गेंद और नया ओवर शुरुआत करते हुए सामने से एक बार फिर से दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं नजर आ रहे हैं रजनीश ये भाग्यशाली रहे बल्लेबाज क्रॉस द लाइन आए थे तो बेहतर रहेगा फिर से क्रॉस द लाइन ललचाती हुई गेंदे कर रहे हैं रजनीश जहां तक रनों का कुल प्रश्न है तो 51 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स 51 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात रियान शाही शेर घाटी का कुल योग फिर से कमजोर शॉट हवा में काफी देर गेंद तैरी थी एक मौका मिलता हुआ दिखाई प्रतीत हो रहा था लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गई क्षेत्ररक्षक पीछे थे और मिले हुए एक रन से रनों का योग प्रथम बार ड्रिंक्स इंटरवल के बाद बढ़ता हुआ 52 11वां ओवर फेंका जा रहा है आप मुकाबला देख रहे हैं बाल मुकुंद बनाम रियान
शाही शेर घाटी का। तीन विकेट दनादन गिरे थे और उसके बाद चार विकेट गिरा है कुल, चौथा विकेट भी गिरा था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल ये ग्राउंड यानी के बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। काफी देर के बाद एक छक्का निकलता हुआ, अंपायर कुद्दूस आलम का इशारा, छह रनों का, तो इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग 58 रन। और जितने भी बहुत ही अच्छा शॉट, शॉट में इतनी तेजी कि पहला रन ही पूरा करने के लिए जोर लगाना पड़ा बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 59 रन, जबकि बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवम दीप 10 पर, ऋषिकेश तिवारी खेल रहे हैं 31 के अपने कुल निजी योग पर। ओवर नंबर ये कुल संपन्न हुआ अभी अभी ड्रिंक्स इंटरवल के बाद 11वां जी रहे हैं। नीचे रहती हुई गेंद और 12वें ओवर को लेकर आए हैं टीम की तरफ से, और अपना कुल तीसरा ओवर बढ़ाते हुए इमरान नजीर राइट आर्म ओवर द राउंड द विकेट। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बिल्कुल ऐसी बल्लेबाजी आप करेंगे तो दर्शकों का आशीर्वाद भी आप प्राप्त करेंगे बहुत मायने। शॉर्ट ऑफ लेन थी, गेंद के पीछे आए थे, पिछला पांव और विकेट के नजदीक पहुंचाया, लेकिन गेंद को सही तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए। गेंद आई लॉन्ग ऑन की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए और इस सिंगल के जरिए 62 का कुल रन शेर घाटी 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर कुल 12वां फेंका जा रहा है। 62 रन 4 विकेट शेर घाटी, बालमुकुंद के खिलाफ आज बल्लेबाजी करने का फैसला लिया टॉस जीतने के बाद। रन और इस सिंगल के जरिए कुल रन 63। थोड़ी सी उछाल थी गेंद में, जानबूझकर खेला गया शॉट गली की दिशा में, जैसे देखा स्लिप और गली का क्षेत्र खाली, थर्ड मैन की दिशा में इस बॉल को खेला और इस सिंगल के जरिए रन कुल चले गए हैं 64। 12वां ओवर बढ़ रहा है धीरे धीरे, इमरान नजीर गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से, सारे फील्ड पोजीशन दूर हैं बिल्कुल 38 सर्किल पर खड़े हैं, स्लिप गली और एक वाइडिश गली, नीचे रह गई थी गेंद और पहले से भांप लिया था गेंद की लाइन लेंथ को, खुद को एडजस्ट किया, शफल किया, लेकिन गेंद नीचे रहने की वजह से बल्ले पर आई नहीं, एक डॉट बॉल। थोड़ी सी खामोश क्रिकेट, फिर से शफल किया था लेकिन गेंद गई ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा वाइड का और इस एक अतिरिक्त शुरुआत के जरिए रनों का योग 65। 65 रन 4 विकेट का पतन हुआ है। एक और वाइड नहीं, इस बार तो भैया 9 बॉल हो गया, क्योंकि जब मैट के बाहर गेंद गिरी तो 9 बॉल, रन आउट होने का खतरा मंडराता हुआ, अगर विकेटों में जाकर गेंद टकराती तो बल्लेबाज वापस पेवेलियन लौटते। 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार से, लॉफ्टेड शॉट बिल्कुल पेवेलियन के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। काफी देर के बाद जो खामोश बल्ला था उस खामोशी को छक्के के साथ तोड़ा और इस छक्के के साथ रनों का कुल योग चला गया 74। 39 पे गए हैं ऋषिकेश तिवारी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29 गेंदें खेली, 3 चौके 3 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 39 पर। शिवम दीप खेल रहे हैं अपने कुल 12 के योग पर और अब रियान शाही शेर घाटी का कुल योग
74 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात। हवा में खेला गया शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, और जब तक गेंद कुंदन शर्मा के हाथों तक पहुंचती दोनों बल्लेबाजों ने दो दफे 22 गज की दूरी माप ली और रनों का योग पहुंचा दिया कुल 76 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ओवर नंबर 13 वहां फेंका जा रहा है, लॉफ्ट एंड शॉट लगाना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई मिड ऑफ में, मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन लिए 77। बल्लेबाजों के बीच 61 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब तक हो चुकी है। कुंदन शर्मा राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज आए हैं, लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई, ऑन द राइज खेला था बल्लेबाज ने, एक बायां हाथ का बल्लेबाज है तो एक दाएं हाथ का बल्लेबाज ऋषिकेश तिवारी 40 पर, शिवम दीप 15 पर। और डंडा हिलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आप, लेकिन गेंद को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते इस गेम को और लंबी साझेदारी आप निभाने के करीब आ गए थे, आपकी निगाहें जम चुकी थी और छोटी सी गेंद 5.5 औंस वाली फुटबॉल नजर आने लगी थी आपको, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने विकेट फेंके वापस पवेलियन गए। बेशक आपने 64-65 रनों की साझेदारी निभाई थी, लेकिन इसे और भी बढ़ाने की आवश्यकता, खैर ये हमारे और आपके हाथों की बात नहीं, किस्मत का खेल क्रिकेट, इसीलिए तो दर्शकों को उनके घरों से चाहे वो गर्मी का वातावरण हो या -डिग्री सेल्सियस में भी खेल चल रहा हो तो खुद को घरों में नहीं कैद रख पाते हैं दर्शक और मैदान में खींचे चले जाते हैं आते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी अनिश्चितता। अभी अभी 5वां विकेट गिरा है, आउट होने वाले बल्लेबाज शिवम दीप 20 गेंदों का सामना किया, 15 रन बनाए और इन 15 रनों में एक चौका शामिल था। प्रशांत सिंह स्लैश किया, फ्लिक किया गेंद को, और जब तक गेंद लॉन्ग लेग की दिशा से फील्ड होकर आती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, प्रशांत सिंह का खाता खुला और रनों का कुल योग रियान शाही शेर घाटी का 79 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जबकि ओवर नंबर कुल ये 13वां फेंका जा रहा है। कुंदन शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे तिवारी जी, अब बहुत खूबसूरत शॉट स्लैश कराया हल्के हाथों से, थोड़े तेज नहीं थे क्षेत्ररक्षक, थोड़े से ढीले पड़ गए थे, अन्यथा यहां पर फील्डिंग भी होती और एक रनआउट भी मिलता होने वाला है। ये एक रन, क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे जी, नहीं गर्म मौसम और ऐसे में तमन्नाएं दर्शक कर रहे हैं कि खेल में गर्मी भी पैदा हो, चौके छक्के निकले, लेकिन वो वक्त अभी नहीं है, थोड़ी सी परेशानियों में घिरी हुई नजर आ रही है शेरघाटी की टीम। कौन तिवारी नाम है, ऋषिकेश, बीट कराया यहाँ पर प्रशांत सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषिकेश के साथ, ऋषिकेश ने एक छोर से दामन पकड़ के रखा है, 42 रन बना चुके हैं 32 गेंदों में, गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और घुमाया डीप में विकेट की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 82 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियान शाही शेर घाटी का कुल योग है। ऋषिकेश तिवारी खेल रहे हैं 42 पर और प्रशांत सिंह का खत कुल योग है 2 रन, 32 गेंदों में
ये 42 रन बनाए ऋषिकेश तिवारी ने, जिनमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल। गेंदबाज कौन है? और कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब छक्का निकलता हुआ, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर एक बेहतरीन छक्का अभी अभी तिवारी जी के बल्ले से निकला है। 48 पे पहुंचे ऋषिकेश तिवारी और अपने टीम की रन संख्या पहुंचा दिया कुल 88 रन। गेंदबाज कौन है? कंचन। कंचन की फुल लेंथ गेंद पर बैकफुट पंच किया और पूरी तरह से बल्ले पर लेते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लाजवाब छक्का जड़ के अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए हैं ऋषिकेश तिवारी। 48, 4 छक्के 3 चौके इन 48 रनों में शामिल। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां कर रहे हैं कंचन। लाइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद विकेट कीपर के दास्तानों से लगती हुई उछली और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न हुआ। 14 ओवर 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर रियान शाही शेरघाटी का कुल योग है। 15वां ओवर शुरू हो रहा है चर्च एंड की तरफ से कुंदन शर्मा। प्रशांत ने गेंद को खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पर आई नहीं, अच्छी ग्लव वर्क विकेट कीपर ने दिखाई। अंपायर कुदुस आलम का इशारा वाइड का आता हुआ। एक अतिरिक्त शुभान के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 89 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 15th ओवर। प्रशांत काफी देर से कोशिश कर रहे थे कि उनके बल्ले पर गेंद आए और बाउंड्री लाइन का रास्ता ना पे, उस पे सफलता प्राप्त की। फाइन लेग की दिशा में एक उछलता हुआ शॉट 2-3 टप्पे खाता हुआ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चला गया और इस चौके की मदद से रनों का कुल योग 93। तो अब थोड़ा सा बहाव रन गति में दिखलाई पड़ रहा है जब से प्रशांत आए हैं, तेज बल्लेबाजी करने की कोशिशें कर रहे हैं। फुल टॉस बॉल और क्षेत्ररक्षक मैदान, आसान सा कैच भैया टपकाया है कुंदन शर्मा, नाराज होंगे। एक आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ कुंदन शर्मा। ओ माय गॉड, ह्यूज ह्यूज एंड मैमोथ 6 बाय प्रशांत सिंह और इसी के साथ रनों का कुल योग चला गया इस छक्के के साथ 105। और लीजिए वापसी कर ली कुंदन शर्मा ने, कहा नहीं आपने मेरे 2 गेंदों को छक्का बेशक लगाया लेकिन आप पहले ही आउट थे, वो तो हमारे फील्डर की कमी थी कि कैच टपका दिया आपका। थोड़े ही समय में वापसी करा दी कुंदन शर्मा ने, पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे प्रशांत सिंह ने और ऐसा लगने लगा था कि स्कोर आज फिर से 180 को छू जाएगी। जब तक प्रशांत रहते ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते रहते लेकिन प्रशांत आउट हो गए और आउट होने से पहले प्रशांत ने कुल कितने रन बनाए मैं आपको बतला रहा हूं। 2 ही छक्के लगाए, 12 रन बनाकर वापस 18 रन बनाए वापस पवेलियन जाने से पहले और अर्धशतक के करीब ऋषिकेश तिवारी खेल रहे हैं 48 पर और रियान शाही शेरघाटी का कुल योग 93। तो अपने खेमे में अपने बेंच पर थोड़ी खुशियां फैलाई थी प्रशांत सिंह ने और ऐसा लगने लगा था कि ऋषिकेश तिवारी को एक अच्छा साझेदार मिल गया है। तो अब सारा दारोमदार ऋषिकेश तिवारी के कंधे पर, सिर्फ अर्धशतक ही नहीं बनाए बल्कि अपनी टीम को एक बेहतर पोजीशन में बना पहुंचा दें जिसे प्राप्त करने के लिए बालमुकुंद के बल्लेबाजों को पसीने बहाने हों, लेकिन 105 रन का योग अभी नाकाफी दिखाई पड़ रहा है। 15वां ओवर अभी पूरा नहीं हुआ कुंदन शर्मा।
ललचाती हुई गेंद फेंकने के लिए मशहूर हैं। बिहार स्तर के बड़े बड़े क्रिकेटर्स विपुल शर्मा, कुंदन शर्मा, अशफाक खान, कुमार रजनीश, और इस गेंद के साथ ही एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 15 ओवर की समाप्ति हुई है। 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात रियान शाही शेर घाटी का कुल योग 105 रन 6 विकेट के नुकसान पर सिंगल लेने लिया। 48 पर खेल रहे हैं ऋषिकेश तिवारी। युवराज को अपना खाता खोलना बाकी, आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सहयोगी आफताब। बोलना पड़ा। Lovely, flick this ball to extra cover, but fielder was there top to get the single. Kanchan, Kunda, Kanchan. Oh, flick this ball to point. Previous time. Oh, got flash. Oh, this time he goes through mid off, but this could be a chance. Oh, got flash. Again, he flipped this ball to backward point, but the fielder was active there, and it could be chance of run out again. But these two batsmen are taking the run quick. And with this single, Rishikesh Kumar completed their half century. Lovely, brilliant knock he played today on behalf of Riyaz Shahi. Riyan Shahi. Oh, this time he wanted to go for a big one. This was not acquiring a quite energetic. And get a single. Single, double. Oh, got flash, but it was fishing. It may be chance of run out. It could, if this would be a. This time he goes over the mid on, but fielder was there. This will be single only. This bowler. Oh, got flash. Loud appeal. Let's see what is this. No impact on the umpire, and both batsmen are completing their start. Got flash again. Oh, full length delivery, but loud appeal, and finger is going up, and another breakthrough for Balmukund, and another shock moment for Riyan Shahi, and the batsman Yuvraj Kumar is going back being disappointed on behalf of Balmukund. Oh, bouncer, terrible bouncer this was, and gone over the wicketkeeper into the boundary. Lovely for. Came down the track, but this was another terrible bouncer. Again down the track, but this should be boundary. Gone into the boundary on one bounce over the fence. Lovely execution this time. But a long carried batsman, that's why he got this boundary again easily. Lovely. It's over. Again, it was effort for Biggs. But the ball. Need directed this ball toward the short. Oh, he defended. No. The flame delivery this was, but. Oh, he moved his bat, but gave an easy catch to cover fielder. And he was this time active, and he did not make a rare mistake to catch at this ball. And this batsman has been cleared up and going back, being disappointed on deck. Amit Kumar. Amit Kumar out, na. Kept the boundary. Oh, lovely, moved his bat towards the deep square leg direction, but fielder is there. Benefit. But deceived the batsman. In the air, over the infield, but fielder is there again. Both batsmen completed a couple of runs easily. But it could be chance for close. But this time, if the flash. Oh, India should be boundary. This time he goes for a big one. Lovely. Goes over the top of cow corner. I would like to invite my co-commentator, PN Shekhar sir, for further information. Take this. बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब। तो सारी पारी घूमती रह गई।
तिवारी साहब के इर्द गिर्द जिन्होंने अर्धशतक पारी खेली थी, विपुल कृष्णा। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, गेंद में तेजी है, रफ्तार है और सोच समझ कर वाइड का इशारा दिया अंपायर सुनील कुमार सिंह ने और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग प्रियांश शाही शेर घाटी का 136 8 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट है और ऐसे वक्त में ये शॉट आ रहे हैं जब स्लॉक्स का ये आखिरी ओवर फेंका जा रहा है, पारी की आखिरी ओवर फेंकी जा रही है, तो ऐसे में कलात्मक शॉट ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, ऐसे वक्त में बाउंड्रीज मायने रखते हैं। हालांकि एक संघर्ष करने लायक स्कोर आपने खड़ा कर लिया, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि बालमुकुंद के बल्लेबाज उसमें उलझ जाएं, बिखर जाएं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, खड़े खड़े बगैर बैकलिफ्ट के बल्ला घुमाया था, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 137 रन 8 विकेट के पतन के पश्चात शेरघाटी बनाम बालमुकुंद का मुकाबला आप देख रहे हैं। रियान शाही शेरघाटी टीम के कप्तान अबूजर पठान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 16 रन के अंदर उनके 4 विकेट चटक गए थे, लेकिन तिवारी जी आए और उन्होंने अर्धशतक की पारी खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला। आखिरी ओवर फेंका जा रहा है शेरघाटी की बल्लेबाजी के दरमियान और यहां पर बल्ले का बाहरी हिस्सा चूमती हुई गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, मिस फील्डिंग हुई और 4 महत्वपूर्ण रन मिल गए रियान शाही शेरघाटी को। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक कोई आते हैं या नहीं और मेरा कैमरा कैच कर पाता है या नहीं। जी बिल्कुल, मेरे कैमरे ने भी इस लम्हे को कैच कर लिया और इसी के साथ विपुल कृष्णा ने अपना 3रा विकेट प्राप्त कर लिया। ओनली 1 बॉल लेफ्ट। हवा में शॉट और ये 4th विकेट भी मिल जाता विपुल कृष्णा को। रन आउट होने की संभावना दिखलाई पड़ रही है। जी नहीं, 2 रन यहां पर मिले हुए मौके का फायदा उठाकर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 20 ओवर की समाप्ति हुई और 20 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल रनों का योग है 143 रन और जीतने के लिए लक्ष्य है बालमुकुंद के सामने 144 रनों का। ये बताते हुए मैं अपने YouTube चैनल के दर्शकों और गांधी मैदान में मौजूद दर्शकों से इजाजत लेना चाहूंगा। जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी, जब बालमुकुंद की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी, तो लक्ष्य रहेगा 144 का। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। तो 144 रनों का पीछा करने के लिए बालमुकुंद के 2 बल्लेबाज बीच ग्राउंड में दिखलाई पड़ रहे हैं। एक तो है इमरान नजीर और दूसरे हैं उनके साथ सूर्य प्रताप सिंह, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अबूजर पठान ने, टीम के कप्तान हैं और कोच भी हैं। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट, उनके सामने इमरान नजीर विजय हजारे ट्रॉफी के एक लाजवाब प्लेयर। ये देखिए इनके खेलने का अंदाज ही यही है कि गैप ढूंढते हैं अपने लिए। और खेल शुरू होने से पहले मैं आपस में चर्चाएं भी कर रहा था, इमरान नजीर के खेलने के जो अंदाज है, तो चौके से खाता खुलता हुआ इमरान नजीर का, चौके से खाता खुलता हुआ बालमुकुंद का 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर फेंका जा रहा है, अबूजर पठान गेंदबाजी कर रहे हैं शेरघाटी के कप्तान अबू बाएं हाथ से लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश, अगर गेंद विकेटों में जाकर टकराती तो खतरा हो सकता था। सूर्य प्रताप को
और इसी के साथ क्या लाजवाब गेंदबाजी की अबूजर पठान ने, और पहला विकेट गिरता हुआ बालमुकुंद का सूर्य प्रताप आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। हवा में गेंद यहां पर खतरा हो सकता था और दूसरे विकेट की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन थोड़े दूर रह गए फील्डर, सराहना कर दी होगी जिस तरह से अबूजर पठान गेंदबाजी कर रहे हैं और बालमुकुंद के बड़े स्तर के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। एक विकेट प्राप्त किया अपने पहले ओवर में टीम के कप्तान, शेरघाटी टीम के कप्तान अबूजर पठान ने, और सूर्य प्रताप को वापस पेवेलियन पहुंचा दिया। सूर्य प्रताप ने जीरो रन मारे, अपना खाता भी नहीं खोला, रनों का कुल योग 7 रन, एक ओवर की समाप्ति हुई है, जीतने के लिए अब 137 रनों की आवश्यकता, ओवरऑल कुल 144 रन बनाने होंगे 20 ओवर के दरमियान बालमुकुंद की टीम को। शरीर नजीर इंतजार कर रहे हैं प्रशांत सिंह का, बोतल अपना रखा करो, बल्ला अड़ाया था गेंद पर और स्पॉट को देख रहे हैं, गुड लेंथ स्पॉट को ठीक कर रहे हैं जहां से गेंद उछल गई थी। बहुत ही अच्छा मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन विकेट कीपर के लिए ये मौका आसान नहीं होता। काफी नजदीक से उनके ग्लव्स को चूमते हुए गेंद निकल गई थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चौका निकलता हुआ इमरान नजीर के बल्ले से, प्रशांत थोड़े से मायूस होंगे, तो इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया है 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद को जीतने के लिए 20 ओवर्स में 144 रन बनाने हैं। स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर 11। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, प्रशांत सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज रफ्तार की गेंद, लेकिन जो अदृश्य पट्टिका होती है कहीं ना कहीं से वो मायने रखती है, और ऐसे में सटीक निर्णय देने के लिए दोनों अंपायर जाने जाते हैं, कुदूस साहब और सुनील कुमार सिंह। अंपायर ने कहा नॉट आउट, फिर से चकमे में डाला बल्लेबाज को, गेंद कारपेट से 4 इंच ऊपर ही निकली थी स्किट करते हुए, और ऐसी गेंदों को पकड़ना विकेट कीपर के लिए आसान नहीं होता है। अच्छी गैदरिंग, लेकिन पिछली गैदरिंग को अगर ये कैच में बदल पाते तो कहीं ज्यादा बेहतर होता, एक दबाव बना लेते बालमुकुंद पर शेरघाटी के गेंदबाज। हालांकि पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य प्रताप को वापस पेविलियन पहुंचाया टीम के कप्तान अबू ने, कट किया शॉट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, शतरक्षक खड़े थे, गेंद को सफाई के साथ गैदर किया, फील्ड किया, ओवर नंबर दूसरा संपन्न होता हुआ, तो 2 ओवर की समाप्ति हुई है, कुल रन 11, एक विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद। उछाल थी गेंद में, गेंद के आने का इंतजार किया, डेट किया गेंद को अशफाक ने, और अशफाक की बल्लेबाजी मैंने देख रखी है, ज्यादा देर तक ये अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं, लंबे लंबे शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, और खासकर इमरान नजीर भी जो लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र है, लॉन्ग ऑन का क्षेत्र है, उधर छक्के मारने के लिए काफी विख्यात हैं, लेकिन अभी वक्त की मांग नहीं है, वक्त की मांग ये कि अपने विकेट को बचाए। अबूजर पठान बेशक गेंदों में रफ्तार कम है अबूजर पठान की, लेकिन ऑकवर्ड एक्शन है, थोड़े से डायगनल जाते हैं, और लाइन लेंथ इनकी बहुत ही अच्छी, लाइन और लेंथ पर जबरदस्त कमांड है इनकी।
शॉर्ट आर्म पुल किया है नो मैंस लैंड की तरफ। एक टप्पा खाने के बाद गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। तो जिन बातों की मैं चर्चा कर रहा था कि दोनों बल्लेबाज तेज तर्रार हैं, अकेले अपील कर रहे हैं अबूजर पठान, विशेष सहयोग नहीं मिला, स्लिप और विकेट कीपर से कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी। विश्वास कम उत्साह अधिक। स्लोअर डिलीवरी डाली थी और यहां पर अगर विकेटों में जाकर गेंद लगती तो बड़ी मछली जाल में, और देखिए मछली नहीं फंसी, यह मछली जाल से निकली भी और फायदा भी मिला, 5 रन जुटे और खाते में बल्लेबाज के खाते में ये 5 रन जाएंगे। अंत सिंह एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं बिहार स्तर पर, चर्च एंड से गेंदबाजी करेंगे। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक शॉर्ट फाइन लेग ये खेले के अंदर, जबकि एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। और यहां पर फिर से एक बार मिस फील्डिंग होती हुई छिटकती हुई हाथों से स्वीपर कवर की दिशा में गेंद चली गई धंधनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। और यहां पर फिर से मिस फील्डिंग हुई है, 1 रन लिया है, 2रे रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग 26, 26 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। आप मैच देख रहे हैं शेरघाटी वर्सेस बालमुकुंद का। शेरघाटी टीम के कप्तान अबूजर पठान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 143 रन बनाए और जीत के लिए सामने लक्ष्य रखा बालमुकुंद के 144 रनों का। प्रशांत सिंह, इमरान नजीर गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे, माफ करेंगे अशफाक, गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। जहां तक प्रश्न गेंदबाजी का, प्रशांत सिंह की गेंदें काफी तेज रफ्तार से आ रही हैं। ये देखिए गेंद रुकने वाली नहीं है। लॉन टेनिस के खेल में जब फोरहैंड शॉट लगाए जाते हैं तो गेंदें इसी तरह से निकलती हैं कोर्ट पर एरिना के अंदर। और इसी के साथ तीसरे प्रयास में विकेट कीपर ने इस गेंद को पकड़ा। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंद कहीं फिसल न जाए, चोटिल हुए हैं, थोड़े से चोट महसूस कर रहे हैं विकेट कीपर, लेकिन एक बड़ी मछली जाल में फंसाई प्रशांत सिंह ने और अशफाक जैसे एक विस्फोटक बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजा। डाटा में बता दूं कि अशफाक ने आउट होने से पहले कुल 12 गेंदे खेले, 3 चौके लगा के 21 रन बनाते हुए 175 के स्ट्राइक रेट से वापस पवेलियन लौटे हैं। तो दूसरे विकेट का पतन हो गया बालमुकुंद का, कुल योग 2 विकेट के नुकसान पर 30, जबकि 3.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। टर्स को अशद शाह, गौरव सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि अशफाक के आउट होने के पश्चात नए बल्लेबाज का पदार्पण हुआ कुमार रजनीश। कुमार रजनीश को मैं काफी दिनों से जानता हूं, उदयमान क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी पिछले साल कई अच्छी इनिंग्स खेली इन्होंने। बिल्कुल जब घेरे के अंदर क्षेत्र रक्षक दूर खड़े होते हैं तो हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन लेना ही चालाकी है, अकलमंदी है। बहुत ही जबरदस्त कंधे का इस्तेमाल भाई के स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं गौरव सिंह।
फिर से शक्ति झोंकी थी। थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस का स्तर है, थोड़ा सा जो लय ताल है, वो लड़खड़ाता हुआ। अरे कुल्ली करे था, अच्छी गेंद उछाल प्राप्त की, अपेक्षाकृत कमर की ऊंचाई तक उछली थी गेंद, बल्ले पर खलिया रजनीश ने गेंद गई थी गली की दिशा में, रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ओवर नंबर को लिए पांचवा फेंका जा रहा है, 31 रन दो विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद का कुल योग, और तेज गेंदबाजी ही की जा रही है। कल स्पिनर्स के बदौलत मिर्जा गालिब ने काफी परेशान किया था बालमुकुंद टीम को, एक विकेट से मात्र जीत हासिल कर पाए थे बालमुकुंद। हवा में गेंद, लेकिन क्षेत्र रक्षक काफी दूर खड़े रह जाएंगे, नहीं लेने और गेंद चली गई चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। इस चौके की मदद से रजनीश पहुंचे अपने कुल चार के निजी योग पर। इमरान नजीर खेल रहे हैं 10 पर, बालमुकुंद का कुल योग 35 दो विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर 35 रन दो विकेट के नुकसान पर रजनीश खेल रहे हैं 4 पर, इमरान नजीर खेल रहे हैं 10 पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए इंग्लिश में हमारे सहयोगी आफताब। थैंक यू सर। Oh, shot of late. This time it goes through point into the boundary, rolling on the ground. Lovely execution. Welcome, Bond needed, and he got making no mistake. Sorry, that was Imran Nazir. Again, shot of late. Again, he goes on. Again, this time it goes for a big one. Lovely. Maximum, this is over the cow corner. Lovely execution by this batsman. In this over, he picked up a 2 boundary back to back. This was full delivery and goes to extra cover, and fielder missed this ball, and both batsmen are out. One thing for Rehan Shaikh, they have ball, either that is over. Completed his 5th delivery, giving 11 runs. This will be the last delivery of Yuvraj. Will he pick up any breakthrough in this over? Oh, good line, but loud. Oh, the ball hit his pad. Loud appeal again. Will he get any breakthrough in this over? Why this keeper gets in? Maybe to pick up the wicket. Defended this ball to short leg is for, but the fielder. Again, lovely. Flick this ball to extra cover. Fielder is there. Kill that ball, batsman. Again, complete. Crossing the empire, but he pushed. Go against the Gaurav Singh. Shot of lane. This time we wanted to. Has been put down. This was. If this catch could be taken, then this was rememorable. And. Oh, shot of lane delivery. Big loud appeal. Came down the track, but there is no full length, but this time he flicked his ball toward the deep square leg direction. Fielder is there, but both time ball full, but this time he goes through deep extra cover towards the fielder, but let's see what is this. It seems that the ball crossed the boundary fence, and this will be boundary again. Lovely. He's picked in
Oh, again he goes through mid on, but let's see. Fielder is there, only one will be this. Punish, again punish toward the deep far leg direction. No fielder is there, and fielder going behind the ball. This will be lovely. He defended this ball to cover. Despite of being the fielder there, both batsmen are success to pick up the single. खड़ा करते हैं दो विकेट के नुकसान पर बाल मुकुंद जबकि आठवां ओवर संपन्न हुआ है। Defended this ball to me through the mid on. Fielder is there. This will be लिया ही है, लेकिन कैच रजनीश और कैच अबुजर पठान। He will face the Rishikesh Tiwari. Oh, India should be taken, but he put the brilliant effort at putting the brilliant. Oh, God flashed totally that time. Defended this ball back. पिछले कुछ मुकाबलों को देखते हुए ये मुकाबला भी रोमांचक होने की उम्मीद जगा रही है दर्शकों के दिलों में, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछले कुछ मुकाबले जो आखिरी ओवर में नतीजे दे पाने में सफल हुए थे, आज भी उसी तरह से ही रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि तीन विकेट गंवा चुकी है बालमुकुंद की टीम। 61 रन, नौवां ओवर कंप्लीट हुआ है, तो अब गेंदें कितनी हैं और कितने रन बनाने हैं ये मैं बता दूं, 66 गेंदों में 83 रन बनाने की आवश्यकता। हर्षराज का खाता खुलना बाकी और इमरान नज़ीर बल्लेबाजी कर रहे हैं 30 के अपने निजी योग पर। सारा दारोमदार अपने कंधों पर उठा रखा है इमरान नज़ीर ने, स्कूप किया। ऐसे शॉट्स हॉकी के खेल में देखा जाता है, लेकिन आजकल क्रिकेट थोड़ी ब्राइट हो गई है। जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की, हम सोशल मीडिया में आए, टेलीविज़न ने नई क्रांति लाई, सोशल मीडिया में आए, ब्रॉडबैंड आया, उसी तरह से नए नए शॉट्स भी ईजाद किए गए। 360 डिग्री में खेलने वाले एबी डिविलियर्स को लीजिए, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, लेमन कट, फ्रेंच कट, सारे शॉट्स, दिल स्कूप, सारे शॉट्स याद कर लिए गए। और देखिए ये कितनी फुर्ती, बेशक धूप कड़ी है, मौसम का रुख बदला हुआ, मिजाज तेवर बदले नजर आ रहे हैं मौसम के, लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर इसका कोई असर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उन्हें अपने खेल दिखलाने से मतलब है, और ये संदेश पहुंचाने से मतलब रखते हैं खिलाड़ी बीसीए पैनल में बैठे हुए अधिकारियों के पास कि देखिए हमारे परफॉर्मेंस को और चुनिए हमें आगे की क्रिकेट के लिए। ये टूर्नामेंट ही नहीं, ये महान आयोजन है आपका, इसे टूर्नामेंट कहना बेमानी होगी। इतने विशाल पैमाने पर अशरफ शाहीन ने जो जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा रखी है, इस बात के लिए उन्हें लाख लाख बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारी बातें मायने रखती हैं, और ये माना जा सकता है कि गया के लिए एक मिनी आईपीएल अशरफ शाहीन ने उपलब्ध करवाया है। बातों ही बातों में 10 ओवर किस तरह से संपन्न हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा, और फिर ड्रीम सिटी ड्रिंक्स इंटरवल का भी समय हो जाएगा। लॉफ्टेड शॉट, एक्स्ट्रा कवर की जानिब उछाल दिया, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। काफी देर के बाद ये छक्का निकला है। हल्के हाथों से गेंद को खेला वाइडिश मिड ऑन की दिशा में,
एक रन लिया दोनों बल्लेबाज, दो रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन दोनों की मदद से कुल स्कोर 74 रन, 3 विकेट का पतन हुआ है। बालमुकुंद को जीतने के लिए कुल 144 रन बनाने हैं जिनमें से 74 रन बन गए, तो कुल 70 रनों की और दरकार। बाकी बची हुई कुल जो गेंदे हैं 58 गेंदों में 70 रन बनाने की आवश्यकता। आवश्यकता थी और छक्का लगाते हुए उस मुकाबले को गेंदबाज कौन है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में उछाला है गेंद को बल्लेबाज हर्ष राज ने और यहां पर मिसफील्डिंग हुई है। मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को, एक और रन जोड़े, दो रन जहां एक रन होना चाहिए वहां दो रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन दो रनों की मदद से 77 का कुल योग चला गया है बालमुकुंद का। 77 रन उछाल दिया है गेंद, लॉन्ग लेग की दिशा में चली गई, अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा 4 रनों का। और दे दिया। और इसी के साथ जी बिल्कुल गेंद नीचे रही थी और विकेटों के मध्य में पकड़े गए बल्लेबाज आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इमरान नजीर और अंततः अपनी टीम को वापसी दिलवाई प्रशांत सिंह ने। इमरान नजीर जैसे कद्दावर बल्लेबाज को पेवेलियन चलता किया और मुकाबले में जान फूंक दी है प्रशांत सिंह ने इस विकेट को प्राप्त करके। ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है कहां गई है गेंद, मैं देख लूं। जी बिल्कुल सामने मेरी थोड़ा सा हल्के हाथों से गेंद हवा में उछलती हुई क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और एक और कैच छूट गया। ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था लेकिन दूर रह गए गेंद से। अगर ये कैच पकड़ लिया जाता तो निश्चित तौर पे बालमुकुंद की टीम बैकफुट पर नजर आती। हर्षराज जैसे बड़े बल्लेबाज का कैच अभी अभी लपकने में चूक गए क्षेत्ररक्षक, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। खासकर जो वो जोन है वाइडिश लॉन्ग ऑन का जो वो जोन है वहां पर दो दफे कैच छूटे, उसके आगे अगर आ पाए तो जो मिड ऑफ का क्षेत्र है वहां पर भी एक कैच छिटका था, बहुत तेज शॉट था वो और एक और कैच छूटा था, एक आसान सा कैच। एक मेडन वाले ओवर की मांग कर रहे हैं गौरव सिंह अपने गेंदबाज से और बिल्कुल इस वक्त एक अच्छा ओवर डालने की आवश्यकता है। 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी अभी एक चौका निकला था, मस्ट नीडेड 4 कहेंगे दबाव से उबरती हुई, हालांकि कलेजा मुंह को आ गया होगा बालमुकुंद के बेंच पर कप्तान और सभी खिलाड़ियों के। बाल बाल बचे हर्षराज, हर्ष पहुंचे उस चौके की मदद से कुल 17 के अपने निजी ओवर पर 11 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही बेहतरीन शॉट, लाजवाब एक्स्ट्रा कवर ड्राइव किया है बाएं हाथ के बल्लेबाज तारिक ने और इस चौके की मदद से अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 90। तो कहीं ना कहीं से दो शॉट जो अभी अभी निकले हैं चौके के रूप में आए हैं वो दम भरने का, शक्ति भरने का काम करेगी बालमुकुंद के खेमे में। बादलों के साथ आंख मिचौनी चल रही है सूरज के, वाह वाह वाह, कलाइयां जब जब भी मुड़ी हैं, जब जब जमीनी शॉट दिखाई पड़े हैं
तो दिल को एक सुकून मिलता है कि भैया बल्लेबाज का भविष्य अच्छा है कि ब्लाइंड जोन में मैं बैठा हुआ हूं। फिर से कलाइयां मुड़ी हैं, फिर से गैप ढूंढा है और फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को स्टीयर करते हुए एक रन लिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तारिक। तारिक पहुंचे अपने कुल 10 के निजी योग पर दहाई के अंक में और टीम का योग पहुंचा दिया 95 रन। अब जीतने के लिए कुल कितनी गेंदें हैं और कितने रन बनाने हैं मैं आपको बता दूं, 44 गेंदों में जीतने के लिए 49 रन चाहिए। हल्की सी आह भरी गेंदबाज ने, लेकिन सुनील कुमार सिंह बीसीए पैनल के अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। राहुल आप बताएं कितने ओवर संपन्न हुए हैं? रोहित आप बताएं, 13 ओवर संपन्न हुए, 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब बालमुकुंद क्रिकेट क्लब को जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता बाकी बची 42 गेंदों में। हर्ष राज खेल रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया 17 पर, 2 चौके 1 छक्कों के साथ, जबकि तारिक जमील बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल अपने 10 के निजी योग पर और 10 रन बनाने के लिए उन्होंने कुल 7 गेंदें खेली, 2 चौके लगाए, 49 रन 42 गेंद। बेहद दिलचस्प मोड़ पर यह मुकाबला आकर खड़ा हो गया है। जर्सी नंबर 9 पांच है तो एक नया ओवर शुरू हो रहा है। फिर से प्रशांत सिंह, जिन्होंने इमरान नजीर जैसे एक लब्ध प्रतिष्ठित बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रुख पकड़ाया था और ऐसे में तमन्नाएं बलवती हो रही होंगी शेर घाटी के बेंच से कि एक ब्रेक थ्रू यहां पर आ जाए तो भाई मजा आ जाए। ये संभव नहीं होता, तमन्नाएं आपकी दिल में पनपती रहे लेकिन क्रिकेट के जो नसीब में जिसके होता है क्रिकेट वही दास्तान लिखता है। फुटबॉल बाय प्रैक्टिस, हॉकी बाय टैक्टिस और क्रिकेट बाय लक का निकल जाता है। और यहां पर वाह कमाल का क्षेत्ररक्षण भाई, आखिरी वक्त में थोड़े से घुटने में दर्द महसूस कर रहे होंगे, लंबी कद काठी है गौरव सिंह की और थोड़ा स्क्रैच भी कोहनियों में, लेकिन शर्तिया चौका बचाया अपनी टीम। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल जिस तरह से चौके छक्के आवश्यक होते हैं उसी तरह से माला को गूंदने में सिंगल बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। सिंगल के जरिए माला को पिरोया इन दोनों बल्लेबाजों ने, कहानी आगे बढ़ी और स्कोर नजर आ गया 97 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 13.3 ओवर्स, 13.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 97 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान, जीतने के लिए 144 रनों में 97 बन गए हैं। और यहां पर दूर आवाज आई दर्शकों के कानों तक और अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं किया बल्लेबाज ने और मुड़ चले अपने पेवेलियन की तरफ। तो अभी अभी झटका एक और लगा है, तारिक आउट होकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं। एक बॉल दूर रन चाहिए और इसकी सबसे बड़ी वजह है सुसाइडल होता है ये। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बाहर जाते हुए गेंदों को खींचते हैं, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद विकेट में टकराती है, प्ले डाउन होकर बल्लेबाज वापस पवेलियन आते हैं, लेकिन ये खतरा टलता हुआ। फिलहाल रनों का कुल योग चला गया है 98 आफ्टर 14 ओवर्स फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब जो समीकरण है, जो ओकेजन है यहाँ पर, वो 36 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता। हर्ष राज 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने। कुंदन शर्मा एक बड़ा नाम, कल भी इन्होंने 36 गेंदें और जीतने के लिए 36 गेंदों में कुल
46 रन। पहली खींच कर मारा है, दबाव हटाना है तो प्रत्येक गेंद में एक सिंगल तो लेना ही पड़ेगा, बाउंड्रीज भी निकालनी होगी आपको। अब जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो है कुल 34 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता बालमुकुंद को जीतने के लिए। गेंदबाजी की मांग हो रही है अबू से। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह का, पारी के दरमियान शायद ये पहली वाइड गेंद डाली गई। 34 गेंद 44 रन। कवर ड्राइव, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और रनों के योग को कुल पहुंचा दिया 101। 5 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर फेंका जा रहा है। 14.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है और जीतने के लिए अब 33 गेंदों में कुल 43 रनों की आवश्यकता। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी में थोड़ी सी गति परिवर्तन जब जब गेंदबाजों ने किया है तो नतीजा बेहतर ही निकला है। बल्लेबाज का प्रश्न तो दो बल्लेबाज कुंदन शर्मा 2 पर खेल रहे हैं और हर्षराज 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। फिर से एक डॉट बॉल, 101 पर स्कोर अटका हुआ। 43 मोर रन्स रिक्वायर्ड इन 31 बॉल्स। कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पार करते हुए गेंद हवा में, नो मैंस लैंड। क्षेत्ररक्षक पीछे खड़े थे, डीप मिड विकेट और जो फाइनल क्षेत्र था वो पीछे। गेंद हवा में काफी देर लटकी रही आकाश में और लीजिए एक और ओवर संपन्न हुआ। 15 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 102 रन कुल योग है बालमुकुंद का। 30 गेंदें 42 रन बनाने की जरूरत। कुंदन शर्मा खेल रहे हैं 3 पर, हर्षराज खेल रहे हैं 19 पर। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए हमारे साथी आफताब। शॉट ऑफ लेन थ्री, मूव हिज बैट टुवर्ड्स द डीप स्क्वायर लेग, बट दिस वाज द एग्रेसिव शॉट, फील्डर वाज देयर। Lovely. This time he directed the ball to Kabar. Fielder was active. Both batsmen completed this. This time he goes for a big one, for maximum. How beautifully he attacked on the bowler. The both hand of the umpire has gone up. Lovely. Defended this ball to Kabar. Again in the should be taken. Let's see. Fielder is going towards the ball but has been put down this catch. All of the fielder put a huge effort, blink. And this time, this again, this time got flat. 24 गेंदें 32 रन, कल वाले ही मुकाबले को आज मानो एक्शन रिप्ले हम देख रहे हैं, हाईलाइट देख रहे हैं कल के मुकाबले की। बेशक आज मिर्जा गालिब नहीं है, शेरघाटी है, रन भी लगभग कुछ उसी हिसाब किताब से बने और मुकाबला भी बेहद रोचक। गौरव सिंह गेंदबाजी करने आए हैं हर्षराज के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षराज। अगर किसी गेंद में ताकत झोंकते हैं तो किसी गेंद में नजाकत के साथ सिंगल चुराते हैं और इसके लिए उनकी कलाइयां बेहतरीन तरीके से मुड़ती हैं। गौरव तेज रफ्तार की गेंद और यहां पर जो चौका रुकना चाहिए था। गौरव सिंह राइट आर्म,
ओवर द विकेट। अच्छी उछाल प्राप्त की गौरव सिंह ने, कंधे का इस्तेमाल किया था, 6 फीट 2 इंच की हाइट, लंबा छड़हरा खिलता हुआ बदन और सनसनाहट है इनकी गेंदों में जब कंधे का जोर लगाते हैं और गेंद बिजली की रफ्तार से निकलती है तो बहुत ही सुकून मिलता है कि ये अच्छे गेंदबाज हैं। और मैं बताता है स्पॉन्सर्ड बाय नीरज सिंह और वन थाउजेंड रुपीज का हाईएस्ट सिक्सर को दिया जाता है आपका कल्याण मेरे द्वारा। एक बार फिर से अच्छी उछाल, उन्नीस गेंदे 28 रन, तैरता हुआ नजर आने लगा है गौरव सिंह। हर्षराज के लिए गेंद हवा में और आखिरकार जो कैचेज छोड़े जा रहे थे उनमें से एक आखिरी में दामन में आके सिमटा, चिपका और बालमुकुंद की टीम का एक बड़ा बल्लेबाज हर्षराज ज्यादा हर्ष नहीं फैला पाया अपने खेमे में, वापस पेवेलियन लौटता हुआ दिखाए और आप बढ़े आगे रणजी ट्रॉफी खेले और आईपीएल ऑक्शन में भी आप दिखला रफ्तार के सौदागर इस मगध प्रीमियर लीग में एक से एक गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं। उस कड़ी में एक और नाम जुड़ता हुआ प्रशांत सिंह, बहुत ही बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, बड़े ही मुश्किल से अनुभवी बल्लेबाज कुंदन शर्मा ने अपने विकेट में गेंद को जाने से रोका और बड़े ही निश्चिंत नजर आ रहे हैं कुंदन शर्मा। यस, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, अक्रॉस द लाइन घूमे थे लेकिन गेंद नीचे रह गई थी और मिड और लेग स्टंप के ठीक सीध में पकड़े गए कुंदन शर्मा एक बड़ी मछली जाल में। पटना, माफ करेंगे, ये बहुत ही बाल मुकुंद के लिए एक बड़ा झटका है, सातवें विकेट का पतन होता हुआ और कौन आउट हुए हैं देखिए स्क्रीन पर मैं दिखला दूं, कुंदन शर्मा एक बड़ा नाम, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जिसने अकेले दम पर कल बाल मुकुंद को एक विकेट से जीत दिला दी थी, थोड़े से मायूसी के साथ पेवेलियन लौट रहे हैं। अक्सर मैंने कुंदन, चलिए एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान में ले चलते हैं, कितनी गेंदे कितने रन, 16 गेंदों में 28 रन की जरूरत। ऐसी मिसफील्डिंग अगर आप करेंगे तो ये 16 गेंद 28 रन नहीं, 15 गेंद 24 रन मुझे बोलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे अवसर पर ये वक्त की मांग है कि ऐसे मौके पर आप सिंगल नहीं छोड़ें, मैच का नतीजा जो भी हो लेकिन जिस तरह से लड़ने का मादा दिखला रही है शेरघाटी की टीम वो काबिले तारीफ है भाई। अब गेंदे बची हैं कुल 14, जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। अभी ये समीकरण चढ़ा हुआ है, डॉट बॉल और लीजिए अब जो डाटा है वो 13 गेंद और 23 रन, 10 रन रन बन चुके हैं, डॉट बॉल एक और इसी के साथ ये ओवर भी संपन्न हुआ है तो 12 गेंदे शेष हैं और 12 गेंदों में जीतने के लिए 23 रन चाहिए। गौरव सिंह डॉट बॉल, 11 गेंदे 23 रन, दो बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, एक हैं कंचन कुमार तो दूसरे हैं आनंद मोहन। अंडर 19, अंडर 23 और रेलवे रिप्रेजेंट कर चुके गौरव सिंह अपने पूरे जुनून में दिखाई पड़ रहे हैं। गेंदे 23 रन की आवश्यकता, आखिरी वक्त में बल्ला अड़ाया है, गेंद चली जा रही है थर्ड मैन की दिशा में और ऐसे में 10 गेंद 22 रन
प्यारे दर्शक, आप अन्यथा बातें बोल रहे हैं, ये गलत चीज है। और ये गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई निकल गई वाइड थर्ड मैन की दिशा में, 6 रनों के लिए अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा छक्के का। और ये सिक्स, ये 6 रन बड़े ही फायदेमंद साबित होंगे अगर इस मुकाबले को जीत जाएगी बालमुकुंद की टीम। 9 गेंदें शेष और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदें किस तरह से डालते हैं गौरव सिंह, यह देखना लाजमी होगा। गौरव चले, गेंद को उछाला है, क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद है या नहीं ये देखना मेरे बस की बात नहीं क्योंकि मैं ब्लाइंड पोजीशन पर बैठा हुआ हूं। और चलिए यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो अब पूरी तरह से जो मेरा ऊंट, काल्पनिक ऊंट सीधा खड़ा था, अब थोड़ा सा झुका है और वो झुका है शेरघाटी की तरफ। YouTube पर गौरव सिंह और यहां पर स्कूप करना चाहते थे, दिल स्कूप में सफल नहीं हो पाए और ये डॉट बॉल संपन्न होता हुआ। 7 गेंद 16 रन। ओवर में एकमात्र गेंद किस तरह से डालते हैं गौरव सिंह, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छी फील्डिंग की है, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये चौका चला जाएगा। 1 रन आखिरी गेंद में मिलता हुआ, रनों का कुल योग इस सिंगल के जरिए चला गया है 6 में 15। बालमुकुंद 129, 8 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदें शेष हैं और बालमुकुंद के हाथों में विकेट शेष 2, जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन पूरा किया है, 2 रन को भी पूरा कर लिया। बॉल पे चढ़ता है अबुजर पठान, अबुजर पठान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो अब 13 रनों की जरूरत बाकी बची 5 गेंदों में। 5 गेंदे 13 रन, मतलब 2 छक्का या 3 चौके आपको लगाने होंगे। बल्लेबाज हैं आनंद मोहन। अबुजर की गेंद डॉट बॉल, 4 गेंद 13 रन, आनंद मोहन को परेशान किया इस बॉल पर अबुजर पठान ने, टीम के कप्तान अबुजर पठान। अगर मैच को जिताते हैं तो बन जाएंगे महान। पठान आनंद मोहन के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट, रोमांचक मुकाबला। हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, 1 रन लिया है और यहां पर 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। तो अब समीकरण है 3 गेंदों में जीतने के लिए 12 रन चाहिए, 2 छक्के या 3 चौके। जिंदगी के 3 गेंद 12 रन। अबुजर पठान विपुल कृष्णा के लिए शॉट, और ये शॉट 1 बाउंस के बाद स्पीड लेग की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। बोर्ड प्लेयर है ना, मारेगा। 2 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन चाहिए। अबुजर पठान लीजिए एक और शॉट, क्षेत्र रक्षक बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच आपने पकड़ी है और निश्चित तौर पर अब इस मुकाबले में 8 रन अब भी बचे हुए हैं, लेकिन 1 गेंद शेष। अबुजर पठान आखिरी जोड़ी बीच मैदान, और इसी के साथ इस मुकाबले को यहां पर 7 रनों से जीत लिया है शाही रियान शेरघाटी की टीम ने और 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए हैं। बेहद रोमांचक मुकाबला, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर थी, 3 गेंदों में 12 रन बनाने की आवश्यकता थी। पहली गेंद पर चौका भी निकला, अगली गेंद पर विकेट गिरा और डॉट बॉल के साथ इस मैच को संपन्न करा लिया।
शेरघाटी टीम के कप्तान अबुजर पठान ने शानदार गेंदबाजी की आखिरी वक्त में, और ऋषिकेश तिवारी मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए हैं, जिन्होंने कुल 65 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया था और तीन ओवर में एक विकेट भी प्राप्त किए, 19 रन खर्च करते हुए। इस सूचना के साथ मैं अपने YouTube चैनल के दर्शकों और गया के दर्शकों से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।